बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे साथी, 2023 साल कैसा होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक प्यारा सा फरमान, बहुत ही मुजर्रब और ख़ास अमल आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। प्यारे साथियों, अगर ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से इस साल का आगाज़ कीजिए। हर वो काम के जिसका आगाज़ आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें बरकत, रहमत और फजीलत आएगी। तो दोस्तों ने मोहतरम, अपने लम्हात को कीमती कीजिए। अगर आपका 2022 का साल परेशानियों के अंदर गुज़रा है, अच्छा नहीं गुज़रा है, तो उसको छोड़िए, लेकिन एक नई उम्मीद, एक अच्छी और उम्मीद की किरण लेकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अपने नए साल का आगाज़ कीजिए। इंशाल्लाह बहुत सारा फ़ायदा होगा, दौलत मिलेगी, हर वो चीज़ कि जो आप दुआ के अंदर मांगेंगे आपको मिलेगी। कि जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मिसाल के तौर पर कि हर वो काम के जिसका आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किया जाता है वो मुकम्मल होता है, अधूरा होता है, उसमें रहमत आती है, उसमें बरकत आती है, शैतान उससे दूर होता है। तो प्यारे साथियों, अपने 2023 का आगाज़ आपने किस तरह करना है, तो आइए समाअत कीजिए। बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है, जो आप मांगेंगे वो आपको मिलेगा। आपने करना क्या है कि जब 2022 एंड पे हो, आखिरी मराहल में हो, तो उसमें भी ये अमल करना है और 2023 में भी ये अमल आपने करना है। करना ये है कि किबला की जानिब मुँह करके, वज़ू करके, तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 313 मरतबा पढ़ना है, आसमान की जानब मुँह करके खड़े होकर। ये 3 दिन आपने अमल करना है लगातार, उसमें नागन नहीं करना। जब भी ये आगाज़ करना है, शुरू करना है, तो 3 दिन तक लगातार आप इस अमल को जारी रखें। अगर नागा आ जाए तो फिर आप दोबारा इसको करें। हर रोज़ जो भी आपके दिल के अंदर हाजत है, जो भी आपके दिल के अंदर तमन्ना है, वो अल्लाह के हुजूर अपने हाथों को उठाना है और आसमान को देखकर दुआ करनी है। आसमान को देखकर दुआ करें कि मौला, बड़ा गुनहगार हूँ, तेरी रहमत का तलबगार हूँ, किस्बिल्लाह बिस्मिल्लाह का वास्ता देकर तुझसे मांगता हूँ मेरे मालिक कि मेरे लिए आसानियाँ कर दे, मेरे रिज़क में इजाफ़ा कर दे, मेरे रिज़क को वसी कर दे, और अल्लाह की राह में मैं खैरात करूँगा। ऐ मालिक, मुझको बीमारियों से निजात अता कर दे। जो जो आप मांगेंगे वो आपको मिलेगा। प्यारे साथियों, इस अमल को वुज़ू की हालत में किबला की जानिब मुँह करके आसमान को देखकर आपने करना है। इंशाल्लाह इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे ही अमल आप करेंगे 3 दिन तक, इंशाल्लाह आपके रिज़्क में इजाफ़ा, अच्छी नौकरी भी मिलेगी और गम भी दूर होंगे, परेशानियां भी दूर होंगी। इंशाल्लाह अपनी लाइफ को बेस्ट करना चाहते हैं तो ये अमल ज़रूर कीजिएगा। तो ज़रूर अपने अहबाब तक इसको शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे।